वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी के बाद विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को पहुंचाया 300 रनों के करीब। दोनों बल्लेबाजों ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहाँ पर टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने कमाल की शुरुआत की, तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने दिन के खेल को बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट पहले दिन का इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता वेस्टइंडीज़ के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने और पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम इंडिया को। दोनों टीमें कुछ बदलावों के साथ उतरी, जहां दो बदलाव वेस्टइंडीज़ की टीम ने किए तो टीम इंडिया की तरफ से भी मुकेश कुमार को डेब्यू करने का मौका मिला। नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला। भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन पारी की पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन 3 रनों के साथ टीम इंडिया ने अपनी पारी का आगाज किया। वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर केमार रोच की गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया हिटमैन रोहित ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी एक बेहतरीन ड्राइव देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 4थी गेंद पर भी अल्जारी जोसेफ के एक शॉर्ट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप मिडविकेट बाउंड्री लाइन के पार यशस्वी जायसवाल ने, और उनके बल्ले से भी पहला छक्का देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल का यहां पर आगाज कर दिया। वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर के आखिरी गेंद पर भी गैब्रियल की गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेजा यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर रोहित के बल्ले से एक और पुल शॉट देखने को मिला 11वें ओवर की 4थी गेंद पर, लेकिन इस बार छक्का नहीं गया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और एक और चौका रोहित शर्मा को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का शॉट था। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने वेरकिन की गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए भेज दिया, यह भी बेहतरीन शॉट था। वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ भेजा और एक और शानदार चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़कर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा के बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और उन्होंने 74 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पिछले मुकाबले में भी कमाल की बल्लेबाजी थी और एक बार फिर इस मुकाबले में भी उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बैक टू बैक शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23वें ओवर की 4थी गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने भी पिछले मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी की थी और एक बार फिर यहां पर भी वो अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए। वहीं पर दोस्तों, आज के दिन के पहले सत्र में 26 ओवर का गेम खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने 121 रन बनाए शानदार बल्लेबाजी करते हुए। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल 52 तो रोहित शर्मा 63 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं पर दूसरे सत्र में टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे दूसरे सत्र में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। दूसरे सत्र में भारतीय टीम के लिए एक बार फिर शानदार शुरुआत की रोहित शर्मा ने, जब उन्होंने 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया टीम के लिए। इसके बाद दोस्तों,
29वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका थर्डमैन की तरफ लगाया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका 32वें ओवर की चौथी गेंद पर लगा, जब जेसन होल्डर की गेंद पर अपना कैच मैकेंजे को थमा बैठे और भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 57 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे और पहला झटका टीम इंडिया को लगा। इसके बाद यहां पर क्रीज पर उतरे टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने आते ही एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन दोस्तों वो भी अपनी पारी को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और केमार रोच का शिकार बने। 36वें ओवर की चौथी गेंद पर वो भी अपना कैच विकेटकीपर जोशुआ डिसिल्वा को थमा बैठे और 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर चलते बने शुभमन गिल। लगातार दूसरे मुकाबले में वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेरिकर ने उनको भी बोल्ड करके पेवलियन भेजा और टीम इंडिया को तीसरी व बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 143 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहां पर अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो वहीं पर 21वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने 44वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया, तो इसके बाद 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनका फेवरेट शॉट कवर ड्राइव देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 51वें ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में लगा। गैब्रियल की गेंद पर अजिंक्य रहाणे बोल्ड होकर पेवलियन लौटे और टीम इंडिया ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया 182 रनों के स्कोर पर। वहीं पर चायकाल का समय भी हो गया और टीम इंडिया 182 रन बना लिए थे, लेकिन दूसरा सत्र पूरी तरह से यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के नाम रहा, क्योंकि इस सत्र में भारतीय टीम ने सिर्फ 61 रन ही बनाए, तो वहीं पर वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 4 विकेट चटकाए। लेकिन इसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत हुई तो रविंद्र जडेजा और विराट कोहली एक बार फिर क्रीज पर उतरे, तो तीसरे सत्र की शुरुआत भी टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार हुई, जब विराट कोहली ने 57वें ओवर की तीसरी गेंद पर केमार रोच की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों 60वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और शानदार चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। बैक टू बैक उन्होंने शानदार 2 ओवरों में 2 चौके लगाए। इसके बाद यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए रविंद्र जडेजा ने भी 60वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा। उनके बल्ले से भी बेहतरीन तरीके से गेंद को उन्होंने मिड ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। तो इसके बाद 64वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा के ही बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से कवर ड्राइव किया और गेंद को 4 रनों के लिए भेजा अलजारी जोसेफ की गेंद को। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने भी एक चौके के साथ 67वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली का बैक टू बैक ये शतक अर्धशतक था, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी उन्होंने शानदार अर्धशतक की पारी खेली थी। इसके बाद दोस्तों 68वें ओवर की पहली गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अलजारी जोसेफ की गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद यहां पर विराट कोहली के बल्ले से निकले हुए वेरिकन की गेंद पर एक और शानदार चौके ने इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार सत्य की साझेदारी भी पूरी कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस साझेदारी को अंजाम दिया। दोनों की बात करें तो यहाँ पर इसमें योगदान रविंद्र जडेजा का 35 का रहा तो विराट कोहली का 64 रनों का रहा। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी दिन के आखिरी ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया, जबकि आखिरी ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने बगैर कोई बाउंड्री लगाए बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि इन्हें पता था कि आखिरी ओवर में विकेट गंवाने से टीम इंडिया का मुश्किलों में फंस सकती है। इसलिए आखिरी 6 ओवरों में कोई भी चौका नहीं देखने को मिला, जबकि दोस्तों भारतीय टीम ने तीसरे सेशन की बात करें तो इस सेशन में 33.2 ओवर खेले, जिसमें 106 रन बनाए 3.18 की रन रेट के साथ। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से फिलहाल विराट कोहली 161 गेंदों पर 87 तो रविंद्र जडेजा 84 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद हैं।
लेकिन आज के दिन के तीन सेशन की बात करें तो पहला और आखिरी सेशन टीम इंडिया के नाम रहा, जबकि दूसरा सेशन वेस्ट इंडीज़ के नाम गया। लेकिन दोस्तों फिलहाल मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया 84 ओवर में 288 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर, और फिलहाल भारतीय टीम इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज़ की टीम से काफ़ी आगे नज़र आ रही है। कल के मुकाबले में रविंद्र जडेजा और विराट कोहली अपने शतक भी पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया की तरफ से कौन सा बल्लेबाज बड़ी पारी खेलेगा इन दोनों बल्लेबाजों में से, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।